कल जो है एक कार्टून देखा मैंने, उसमें बीजेपी जेजेपी जो उम्मीदवार उनके भाई गोपाल कांडा जी मेरे मित्र हैं, मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री भी रहे भाई मेरे, और अजय चौटाला जी, वो बैठे इकट्ठे, दोनों की इकट्ठे फोटो, और नीचे लिख रखा एक भाई को हराने के लिए और एक भाई को जिताने के लिए दोनों इकट्ठे हो गए। वो एक तो अपना खड़ा हो रहा है, उसने हराने के लिए मेरे भाई आ रहे हैं, अजय चौटाला तो कह रहा है, चौटाला जी तो कह रहे हैं भाई अभय चौटाला जी को हराओ, और गोपाल कांडा जी कह रहे हैं गोविंद को जिताओ, एक भाई हराने के लिए एक भाई हराने के लिए, ये ऐसे तमाशे हैं, ऐसे थोड़ा चलता है भाई। कोई नीति जो तुमने लाए हो, मैंने कहा था जब ये सरकार बनी गठबंधन की सरकार, हमने कहा था कि भाई हम 2 साल का समय देंगे इस सरकार को, प्रजातांत्रिक उसमें है, लोगों ने बना दी, बन गई, तुमने लोगों को जनित इधर उधर करके अपने स्वार्थ हित में बना ली सरकार 2 साल तक, 2 साल में अच्छा काम करेंगे यही सरकार तो हम कहेंगे अच्छा किया, जो भी काम करेंगे, और नहीं करेंगे तो विरोध करेंगे। तो 2 साल हो गए, आप सब यहाँ बैठे हो, ईमानदारी से बता दो एक भी अच्छा काम करा है सरकार ने? फिर किस नाम की वोट मांगा भाई? एक तो ये उम्मीदवार है, दूसरा उम्मीदवार हमारे साथी है, मेरे साथ विधायक रहे भाई, पहले ताल्लुक भी रहे, अबे चौटाला जी, जब 2 साल होने को हो गए और इन्हें कुछ किया नहीं, तो मैं अभी अविश्वास प्रस्ताव लेके आया असेंबली में, वोट डालने से समय ही पहले ही इस्तीफा दे दिया भाई, वोट डालकर इस्तीफा देता तरन देना था, उससे पहले ही इस्तीफा दे दिया, और इस्तीफा देते वक्त क्या कहा, क्यों दे रहा हूं इस्तीफा, कि 3 जो कृषि कानून हैं उनके खिलाफ दे रहा हूं, जब तक ये रहेंगे विधानसभा में रहने का कोई फायदा नहीं, इस वास्ते मैं विधानसभा छोड़ता हूं। तो भाई मैं आपके माध्यम से सवाल पूछ रहा हूं, वो कृषि कानून खत्म हो गया क्या, वापस ले लिए क्या, फिर क्यों लड़ रहा भाई तू, और फिर क्यों इस्तीफा दिया था? तो भाई देखो, आपकी वोट का असली हकदार हमारी कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है, कौन खोलो, यही मैं कहने आया हूं, यहां से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को ज्यादा वोटों से जिता के भेजो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इस गांव से तो मेरा विशेष लगाव है, मेरा नहीं पर मेरे परिवार का है, सबसे पहली माइनर जो बनाई मेरे स्वर्गीय पिता चौधरी रणवीर सिंह ने बनाई, पूरा गांव जानता है इस बात को, तो भाई इस गांव से विशेष लगाव है, आप सबसे यही है कि 36 बरादरी एक होकर ज्यादा वोटों से यह कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।